नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पोर्नोग्राफी केस में रोजाना नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक जब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं तो कड़ी दर कड़ी खुलती जा रही हैं। राज कुंद्रा का सबसे करीबी अरविंद श्रीवास्तव, जिसका नाम शुरुआत से ही सामने आ रहा है और शुरुआत से ही इस बात की जांच एजेंसियां कर रही हैं कि अरविंद ने जो पैसे अपनी पत्नी हर्षिता श्रीवास्तव के अकाउंट में भेजे हैं उनकी डिटेल आखिर है क्या। महज 20 महीने के अंदर करोड़पति बन गई थी हर्षिता, जो जांच में खुलासा हुआ है ये वाकई चौंका देने वाला है। अरविंद श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी हर्षिता के अकाउंट में 8 बार में 95 लाख रुपए भेजे। सिर्फ 2 महीने के अंदर ये बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ है और सिर्फ एक बार में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ बल्कि अलग अलग रकम ट्रांसफ़र की गई है। कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, कभी 13 लाख, कभी 7 लाख, इस तरीके से रकम ट्रांसफ़र की गई थी। लेकिन जब एक साथ अकाउंट में इतना सारा पैसा जमा हुआ तब बैंक की तरफ से इसको ब्रेक किया गया, इस पैसे को रोका गया और उसके बाद लगातार एक के बाद एक जांच में कड़ी दर कड़ी खुलती जा रही है। पूरा चिट्ठा अगर हम नज़र डालें शुरुआत से लेकर अब तक, तो आपको एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं जो कि बड़ा ही चौंकाने वाला है। इस आंकड़े पर आप गौर करिएगा। साल 2008 के अंत की अगर हम बात करें तो हर्षिता के अकाउंट में 56,000 रुपये थे। इसके बाद 2009 की बात करें तो 2009 के अंत में 70,000 रुपये थे। 2010 के अंत में 71,000 रुपये उसके अकाउंट में थे। 2011 के अंत में 73,000 रुपये हर्षिता श्रीवास्तव के अकाउंट में थे। 2012 के अंत में 1,61,000 रुपये। 2013 के अंत में ये 59,000 रुपये का आंकड़ा था। इसके साथ ही 2014 के अंत में 85,000 की रकम थी उसके खाते में। 2015 के अंत में 87,000 रुपये थे और इसके साथ ही 2016 के अंत में 1,38,000 रुपये पहुँच गए। लेकिन 2017 के अंत में 1,47,000 ये रकम पहुँची। इसके बाद 2018 के अंत में 3 लाख रुपए उसके अकाउंट में हुए। 2019 के अंत में 11 लाख, यानी कि एक साल के अंदर 3 लाख से 11 लाख तक ये पूरा आंकड़ा पहुंच गया था। 2020 के अंत की हम बात करें तो 1,45,00,000, 11 लाख से सीधा एक साल में 1,45,00,000 रुपए ये रकम पहुंच गई। 2021 में 2,33,00,000 रुपये हर्षिता श्रीवास्तव के अकाउंट में है। यानी कि ये जो एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं चौंकाने वाले हैं। साफ तौर पर ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से मोटी रकम कमाई जा रही थी इस धंधे के जरिया और किस तरह से इस रकम को खपाने की पूरी तैयारी थी। और जिस तरह से लगातार जांच में सामने आया भी है, हवाला के कारोबार में बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग की जिस तरीके से लगातार बातें सामने आई हैं या फिर सट्टेबाजी की हम बात करें, तमाम क्षेत्रों में इन पैसों को खपाया जा रहा था। खैर, अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल चल रही है, देखना होगा क्या और खुलासे सामने आते हैं। इसको लेकर आपकी राय क्या है, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना कॉमेंट लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।